बाल अत्याचार के संदर्भ में पिंटू उर्फ नितिन धोटे को जिला सत्र न्यायाधीश ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 13 मार्च 2017 को उमरी येडे रहवासी पिंटू पीड़िता के संत टुकड़ोची वार्ड स्थित मकान में गया। उन्हें पीड़ित के पिता के साथ कंपनी में काम करने का झांसा दिया और पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही पीड़ित की मां पानी लेने रसोई में गई, उसने 16 वर्षीय पीड़ित का विनय भंग किया। लड़की ने शोर मचाने पर वो वहां से फरार हो गया। इस पर परिवार वालों ने आरोपी के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध भांडवी के तहत 354 अ, 451 और 508 कलम के तहत गुनाह दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया। इस प्रकरण में सरकारी अभिवक्ता ने कुल 8 गवाह पेश किए। न्यायालय ने इन गवाह और सबूतों को देखते हुए आरोपी को 4 साल की कैद और 2000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर और 6 माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। बांधवी के 451 कलम के तहत 1 साल की कैद और 1000 का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर और 3 माह की कैद, इसके साथ ही 354 के तहत और 1 साल की कैद सुनाई। आरोपी की ओर से एडवोकेट वीपी वैद्य तो सरकार की ओर से एडवोकेट दीपक वैद्य ने पैरवी की। आज हिंगनघाट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माजगावकर साहेब यांच्या कोर्टामध्ये हिंगनघाट येथील अल्पवयीन मुलगी हिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणारा आरोपी पिंटू धोटे याला 8 साक्षीदार तपासल्यानंतर सबळ पुरावा मिळून आल्याने सत्र न्यायाधीशांनी त्याला सक्तमजुरी 4 वर्षाची सक्तमजुरीची सजा या अत्याचाराबाबत सुनावलेली आहे। पोक्सो कायद्याअंतर्गत आणि भादवीच्या 354 व 451 भादवीच्या या कलमांतर्गत प्रत्येकी 1-1 वर्ष सजा, सक्तमजुरीची सजा व 1000 रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास पुन्हा 3 महिन्याची सक्तमजुरीची सजा सुनावण्यात आली आहे। पोक्सो कायद्याअंतर्गत जी सजा झाली आहे 4 वर्षाची, त्यामध्ये त्यांनी 2000 रुपयाचा दंड पण आरोपीवर ठोठवला आहे आणि तो दंड न भरल्यास त्याला पुन्हा 6 महिन्याची सक्तमजुरीची सजा सुनावलेली आहे। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।